हेलो एवरीवन माय सेल्फ मनीष वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दिस लेक्चर इज फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू फिजिक्स तो देखो इससे पहले हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े इससे पहले हमने क्या किया था तो इससे पहले हम लोग गोलीय निर्देशांक पद्धति के लिए वेग तथा त्वरण मान निकाले थे ठीक है तो एक टॉपिक और इसमें बच गया है जो कि बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में वेग और त्वरण का मान निकालना है ठीक है तो देखते हैं इस वाले टॉपिक में ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा ठीक है तो इस बार मैं क्या करता हूँ इस साइड से लिखता हूँ इस साइड से लिखूँगा ना तो मेरे को जो मैं बोलता हूँ तो शायद मेरा फेस नहीं दिखाई देता क्योंकि किनारे हो जाता है इधर लिखा रहता है तो इस बार मैं इधर से लिखता हूँ फिर इस साइड से लिखने के बाद ना इधर लिखूँगा ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं हेडिंग क्या हो जाएगा बेलनाकार बेलनाकार निर्देशांग पद्धति में बेलनाकार निर्देशांग पद्धति में वेग तथा त्वरण वेग तथा त्वरण ठीक है इंग्लिश में क्या हो जाएगा वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एक्सीन वेलोसिटी एंड एक्सीरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डी नेट तो ये हेडिंग हो गया ठीक है तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जैसे पहले किए हैं कि उसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कैसे बन जाएगा तो जब मैं गोली बेलना का निर्देशांक पद्धति जब पढ़ाया था तो उसने बताया था भाई कि कोई भी पॉइंट पी रहता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं ठीक है तो उसके लिए तीन एक्सिस लेते हैं कौन कौन से ये वाला अपना एक्स एक्सिस रहता है ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस मान लो कोई पॉइंट पी है यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है तो इसका हम लोग को जब निर्देशांक लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग आर थीटा एंड जेड इन तीनों का यूज़ करते हैं ठीक है जो कि आर क्या रहता है तो ये जो पॉइंट मान लो पी है इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई तल पर क्या बनेगा जो एक्स वाई तल पर त, बन रहा है प्रोजेक्शन तो ये कुछ इस टेप से बनता है ठीक है तो इसकी जो दूरी होती है ये जो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है आर वेक्टर, है ना तो इसको मैं आगे बढ़ा दिया हूँ अभी उसका यूज़ होगा ठीक है और इस वाले जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलेंगे मान लो इसको सी पॉइंट ले लो इसको ए पॉइंट ले लो इसको बी पॉइंट ले लो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट रहता है इधर जो यूनिट वेक्टर रहता है इसको बोलते हैं आई कैप इसको बोलते हैं जे कैप इसको बोलते हैं कैप के ठीक है इतना हम लोग पहले से जानते हैं और जब पी पॉइंट का हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो आर थीटा एंड जेड तो देखो भाई सेम वैसे जैसे पहले किए हैं वैसे इसमें भी करना है क्या क्या किए थे पहले में तो देखो पहले में हम लोग कैसे निकालते थे आर कैप निकाल लेते थे थीटा कैप निकाल लेते थे जे कैप निकाल लेते थे उसके बाद उसको देखते थे इसका वैल्यू क्या आया है जो भी वैल्यू आया है उसमें हम लोग उसका डिपेंडेंस देखते थे जैसे कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है मान लो थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि फाइव पर डिपेंड कर रहा है कि किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये सबको मान देखते थे है ना उसके बाद जिस पर भी डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे डेरीवेटिव कर देते थे अवकलन कर देते थे उसके बाद जो भी वैल्यू आता था मान लो ऐसा डी आर के पॉन डी छीटा माल और छीटा पर डिपेंड कर रहा है तो ऐसे निकालेंगे फाइव पे डिपेंड कर रहा है तो फाइव के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे उसके बाद क्या करते थे उसके बाद हम लोग सीधा सीधा जो पूछा है उसका मान निकालते थे हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं वेग तथा त्वरण निकाल रहे हैं तो जो भी पूछा है वेग पूछा है तो वेग और त्वरण पूछा है तो त्वरण उसका हम लोग मान सीधा निकाल लेते थे ऐसे करते आए हुए सेम ये प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो थोड़ा ओवरव्यू बता दिया कैसे कैसे आगे बढ़ना है तो हम लोग को अभी निकालना क्या क्या है आर कैप निकालना है थीटा कैप निकालना है और जे जेड कैप निकालना है तो उसको पहले हम लोग डायग्राम में शो कर देते हैं कहाँ कहाँ बस बनेगा तो देखो आर कैप कैसे बनेगा आर कैप थीटा कैप और जेड कैप जो ये रहते हैं तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं ठीक है आपस में मतलब परस्पर लंबवत रहते हैं तीनों में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है तो डायग्राम में बताते हैं कहाँ कहाँ पे बनेगा तो ये आर वेक्टर हो गया ना तो इसी कैप में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो ये जो दिशा रहेगा इसको बोलेंगे आर कैप दिशा और उसके बाद थीटा कहाँ पास होता था तो ये वाला जो डायग्राम रहता था ये जो दूरी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर जो कोण बनाता था, था उसको हम लोग थीटा बोलते थे है ना तो इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो तो ये थीटा रहता था तो थीटा का यदि मैं थीटा कैप लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं तो ध्यान देना थीटा कैप यहां पे बनेगा इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा थीटा कैप ध्यान देखना इधर भी बना सकता हूं और उसी चीज को सेम मैं यहां पर भी बना सकता हूं इसी डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तो ये जो डायरेक्शन आया ये जो क्या आ गया थीटा कैप और जैसे इधर मैं आर कैप बनाया हूँ सेम वैसे यहाँ पे भी मैं आर कैप बना सकता हूँ तो ये हो जाएगा आर कैप और उसके बाद तीसरा कौन सा बच गया जेट कैप तो जेड कैप कैसे लिख सकते हैं तो जेड कैप के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है ये जेड डायरेक्शन है तो इसी दिशा में हमारा जेट कैप आ जाएगा तो ये हो जाएगा जेट कैप तो देखो आर कैप थीटा कैप और जेड कैप ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं ठीक है तो अगर यहाँ पे जैसे जेड कैप दिखाना रहेगा तो ये डायरेक्शन जेड कैप रहेगा ठीक है तो बस अब क्या करना है आर कैप थीटा कैप और जेड कैप का मान निकालना है डायग्राम में तो बता दिए तो बताओ आर कैप का मान मैं कैसे लिख सकता हूँ तो आर कैप का मान लिखने के लिए हमको डायग्राम अच्छे से देखना पड़ेगा तो डायग्राम में यहाँ पर नोटिस करो ये जो है आर कैप का डायरेक्शन है है ना इसको थोड़ा सा और आगे बना देता हूँ ये मान लो आर कैप का डायरेक्शन है तो यहाँ पे आर कैप को मैं यदि लिख दो घटकों में विभाजित करूं तो क्या बन जाएगा ये आर कैप का डायरेक्शन है तो ये आर कैप एक घटक ये वाला हो जाएगा ठीक है और एक घटक ये ऊपर वाला हो जाएगा तो बस इन्हीं दोनों घटकों में हमको लिखना है आई और जे के रूप में तो क्या लिख सकते हैं बताओ आर कैप को इधर इसके साथ थीटा लगा हुआ है तो थीटा के साथ हमेशा सा कॉस थीटा जाता है तो कॉस मतलब कॉस वाला जाता है ठीक है तो बताओ क्या बन जाएगा ये हो जाएगा आई कैप क्योंकि ये आई कैप में आ रहा है और क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस दूसरा घटक तो ये पहला घटक हो गया ये वाला दूसरा घटक तो दूसरा घटक किस में जा रहा है वाई में जा रहा है वाई में जा रहा है मतलब जे कैप में जा रहा है तो ये हो जाएगा जे कैप और ऊपर किस में गया है साइन थीटा इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हो मैं भूल गया इससे पहले ना हम लोग पोजिशन वैक्टर लिख लेते हैं पी का जो आर का मान है तो यहाँ पे लिख लेना इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ पी जो है आर पर डिपेंड करता है थीटा पर और जेड पर पोजिशन वेक्टर में लिखना चाहूँ मतलब आर वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं बताया था आर वेक्टर कैसे लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आई कैप आर कॉस थीटा प्लस जे कैप आर साइन थीटा प्लस के कैप के कैप जेड ऐसे करके हम लोग पोजिशन वेक्टर लिखते हैं ठीक है उसको भूल गया था उसको लिख लेना उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा सॉरी ठीक है अब क्या जगह का जगह का प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पे फिर इधर बना लेंगे तो बताओ अब थीटा कैप में जैसे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा कैप लिखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा थीटा कैप कैसे लिखेंगे तो उसके लिए ना एक फिर से एक थोड़ा सा यहाँ पर उसका जो डायग्राम बन रहा है इसको अलग से थोड़ा सा बड़ा सा रूप में करके मैं बनाता हूँ तो तब जल्दी समझ में आएगा तो उसके लिए नीचे में ही डायग्राम बना देते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर उसके एरिया को ध्यान से समझना ठीक है।, है तो ये यहाँ पर मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ है तो ओ मैंने ओ लिख दिया ठीक है यहाँ पर तो ये जो एक्सिस आ रहा है ये अपना एक्स एक्सिस हो गया इसको हम लोग आई कैप बोल सकते हैं है ना और इसी को मैं मान मैं ओरिजिन से उस साइड लेके जाऊँ ये कुछ इस टाइप से तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स मतलब इसको माइनस आई कैप में लिख सकता हूँ है ना यहाँ पे मूल बिंदु हो गया उसके बाद मूल बिंदु से ही उस डायरेक्शन में वाई कैप गया है तो ये इधर जाएगा तो ये वाई डायरेक्शन इसको मैं जेड कैप ले के चल रहा हूँ अब यहाँ पे कैसे कैसे बना था ये जो है आर ये जो है आर कैप का डायरेक्शन तो आर कैप का डायरेक्शन बना दिया यहाँ पे जो बन रहे, है, क्या बन रहे थीटा बन रहे हो गया वाई एक एक्सिस हो गया दोनों में क्या होता है भाई परस्पर नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहे हैं ना डायग्राम से समझना चाहो तो मैं अब समझ सकते हो एक वाई जेड तीनों अलग अलग एक्सिस तीनों है ना त्रिवीणी हदीस मतलब त्रिविमीय डायरेक्शन बन रहा है तो जाहिर सी बात है तीनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक मैं बता देता हूं जैसे एक मिनट हाँ मिल गया देखो जैसे अपना x एक एक्सिस किधर था ऊपर की ओर था कैमरा का के साइड था मान लो ठीक है तो यहाँ पे जैसे बना देता हूँ x एक्सिस ये आपके साइड हो गया ये z z एक्सिस ऊपर था और जो वाई एक्सिस था वो इस डायरेक्शन में था ऐसे बना बनाया डायग्राम भाई लेकिन हम लोग चित्र में जब बनाना रहता है तो एक्स को थोड़ा इधर ले लेते हैं क्योंकि बनाते नहीं बनता उसमें तो यहाँ पे ये वाला एक्स एक्सिस हो गया ठीक है तो ये ये वाला एक्स एक्सिस हो गया ये अगर हम लोग इसको पीछे साइड देखेंगे तो ये जो जार है ना ये पीछे साइड है तो ये एक्स एक्सिस का माइनस एक्स एक्सिस है ना तो उधर माइनस आई लिखे हैं और ये वाला जो डायरेक्शन था ये जेड था और यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रहा है ना ये जो है आर कैप का डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ डायरेक्शन बनेगा तो ये जो रहेगा आर कैप रहेगा तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रहा है आर कैप तो ये जो आर कैप है ना आर कैप और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल बन रहा है ये वाला तो ये जो एक्स एक्सिस इधर है और ये वाई एक्सिस इधर है तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है भाई नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक है हाँ ना मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो नाइन्टी डिग्री का बन रहा है तो ये समझाना चाह रहा हूँ अब उससे क्या होगा नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो अब तुम लोग सोचो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा मान लो ये पूरा और ये हमारे पास सिर्फ थीटा है तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा टोटल 90 है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा या तो पाई बाई टू माइनस थीटा भी लिख सकते हो तो ये हमारे पास आ गया नाइन्टी माइनस थीटा अब हमको निकालना क्या था भाई तो थीटा कैप निकालना था तो पर सबसे पहले देखें थीटा कैप कहाँ पर डायग्राम में बन रहे हैं तो इधर बन रहा है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मान लो यही सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी सेम डायरेक्शन में पैरल होना चाहिए बस तो यहाँ से मैं अगर उसको बनाना चाहूँ तो ये मैं इस डायरेक्शन में ये क्या कौन सा डायरेक्शन हो गया थीटा कैप इसको थीटा कैप ऐसे में लिख सकता हूँ तो अब बताओ जैसे ये नाइन्टी माइनस थीटा हो गया तो एक चीज और ध्यान देना मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था आर थीटा जेड तीनों मिचुअली परपेंडिकुलर होते हैं मतलब आर कैप थीटा कैप और जेड कैप तीनों का भी जो बीच का जो एंगल बनेगा वो भी नाइन्टी डिग्री होगा तो ये आर कैप हो गया ये थीटा कैप हो गया तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना ये भी नाइन्टी डिग्री का ही बन रहा है मतलब ये वाला ठीक है मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूँ समझ में आ जाए तो ये जो एंगल बन रहा है ना ये भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है मतलब तो अब बताओ ये नाइन्टी माइनस थीटा है और इसको हमको ज्ञात करना है ये वाले को और टोटल नाइन्टी डिग्री है तो टोटल नाइन्टी डिग्री है और हमारे पास इसको निकालना है ठीक है तो नाइन्टी माइनस थीटा मैं ऐसे कर सकता हूँ मान लो इसको एक्स मान लो और टोटल क्या है नब्बे डिग्री है तो नब्बे डिग्री को मैं एक्स प्लस नाइन्टी माइनस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ दोनों दोनों दोनो के बीच में नाइन्टी डिग्री है ये वाला नाइन्टी माइनस थीठा है इसको क्या याद करना है तो टोटल एक तो टोटल नाइन्टी हो गया और इसको एक्स मान लिए इसको नाइन्टी माइनस थीठा तो यहाँ से मैं एक का वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे तो उधर भेज दो बाकी को तो नब्बे ही हो जाएगा इधर जाएगा तो थीटा हो जाएगा नब्बे और नब्बे कट जाएगा तो एक बराबर क्या आया तो मतलब कुल मिला के एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा ठीक है तो वही चीज़ हम लोग उसका यूज़ करेंगे तो एक्स ब्रा यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो क्या आ गया थीटा एंगल आ गया तो अब थीटा एंगल आ गया तो क्या हो गया भाई इसको मिटा देता हूँ बस थोड़ा सा कोण का जो मान निकालना है वो बस ट्रिकी है बाकी फिर एकदम ईजी है तो यहाँ पे थीटा आ गया अब थीटा आ गया तो मैं उसको दो घटकों में फिर से वियोजित करूंगा थीटा कैप को ठीक है ये वाला जो थीटा कैप इसको दो घटकों में वियोजित करूँगा पहला कौन सा तो जिसके साथ कोण है उसको कॉस थीटा लेते हैं तो ये अब इसके साथ कोण बन रहा है तो इसको मैं ले लूँगा कॉस थीटा वाला घटक और इसको ले लूँगा मैं साइन थीटा वाला घटक तो बताओ कैसे लिख दूँगा इसको मैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ इधर कौन सा डायरेक्शन पर रहे जे कैप वाला तो मैं इधर लिख दूंगा जे कैप और ये कॉस थीटा प्लस इधर पर रहे दूसरा घटक तो उधर मैं ले लूंगा साइन थीटा तो इधर अभी अभी क्या है माइनस आई कैप है ध्यान देना आई कैप नीचे था आई कैप मतलब माइनस आई कैप ऊपर साइड है तो अभी हमको इसको लेना है तो माइनस आई कैप और ये हो जाएगा साइन थीटा या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आई वाले को पहले ले लेता हूँ तो आई साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा तो ये आ गया थीटा कैप अब उसके बाद एक चीज और बच गया कौन सा जेट कैप तो जेट कैप में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है जेट कैप का डायरेक्शन कहाँ है ऊपर की ओर है तो उसमें सीधा क्या लिख सकते हैं हम लोग जेट कैप को हम लोग लिख सकते हैं के कैप क्योंकि ये इस डायरेक्शन में क्या मर रहा है के कैप बन रहा है तो ये के कैप तो तीन चीज़ आ गई हमारे पास आर कैप आ गया थीटा कैप आ गया जेड कैप आ गया अब आर कैप थीटा कैप और जेड कैप को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो नोटिस करते हैं तो देखो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं आर कैप और ये जो थीटा कैप है ये भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है और जेड जो है थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना तो किसी और पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यदि डी जेड कैप अपॉन डी टी करना चाहूं तो इसको मैं डी के अपॉन डी टी ऐसे लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा जीरो लिख सकता हूँ भाई और ठीक तो है इसको लिख दिए उसके बाद यदि जिस पर डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट हमको डेरिवेटिव करना रहता है ना तो यहां पे आप नोटिस करो चूंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर कैप व थीटा कैप थीटा पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो क्या कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो बताओ क्या हो जाएगा आर कैप का मान हमारे पास ये वाला है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो बताओ थीटा कैप के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस आई कैप साइन थीटा और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस जे कैप कॉस थीटा तो ये आ गया डेरिवेटिव इसको ध्यान से देखो भाई ध्यान हाँ से देखने पे क्या पता चल रहा है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा ये तो थीटा कैप का ही मान है तो इसको हम लोग लिख देंगे थीटा कैप तो ये एक हो गया इसके बाद अब इधर लिखता हूँ ठीक है तो इसको एक पार्ट और बना देते हैं तो उसके बाद मैं क्या करूँगा जो आर कैप का मान है सॉरी जो थीटा कैप का मान है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो उसको भी हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा तो बताओ क्या होगा यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस जे कैप ये हो जाएगा साइन थीटा इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो क्या पता चल रहा है यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा और ये जो आई कैप कॉ थीटा है और जे साइन थीटा है ये तो किसका मान है आर कैप का के मान है तो ये माइनस का माइनस और ये हो जाएगा आर कैप तो डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आया माइनस आर कैप तो ये दोनों वैल्यू आ गया और इसका जो मान निकाले हैं डी जेड कैप अपॉन डी टी वो जीरो है तो बस सब का मान आ गया अब हमको वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन मान निकालना है तो क्या लिख सकते हैं भाई देन वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा अब बताओ तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ d r कैप मतलब r वेक्टर अपॉन dt r वेक्टर क्या है जो पोजीशन वेक्टर था उसका मान है ना यहाँ यहाँ पर जो डिस्टेंस लिए थे हम लोग मतलब पॉइंट पी का जो डिस्टेंस लिए थे वो अपना आर था इसको मिटा देना तो ये जो था आर वेक्टर था तो इसी का ही हमको देखना है मान तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आर जो वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ तो बताया था कि जो आर वेक्टर रहता है उसको आर इंटू आर कैप के रूप में लिखते हैं ये लिखते हैं ना तो इसके सेम वैसे यहाँ पे भी लिखना है तो ये हो जाएगा आर इंटू आर कैप प्लस और क्या लिख सकते हैं जेड के कैप ठीक है ये लिख सकते हैं ये कैसे हुआ भाई तो देखो यहाँ पे हम लोग जब R पोजीशन वेक्टर लिखे थे इसको कैपिटल आर कर लेना कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर जब लिखे थे तो आई आर कॉसिटा प्लस जे आर साइन थीटा प्लस के कैप जेड आया था उसी को ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ देखो कैसे लिखा हूँ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ उसी को ही लिखा हूँ देखा तो ये यह, यहाँ से मैं दोनों इन दोनों टर्म से आर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ ठीक है आर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आई कॉस थीटा प्लस आर सॉरी आर कॉमन ले लिया तो बच गया जे कैप और ये साइन थीटा पीछे क्या बचा हुआ है के केफ जेड तो देखो यही चीज में लिखा हूँ आर का आर हो गया ये जो टर्म है ये आर केफ का ही तो मान है आई काटा प्लस जे साइन थीटा है ना तो इसको आर कैप लिख दिया प्लस के केफ जेड तो यही सेम चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो आई होप समझ में आ गया होगा तो इसको मिटा देते हैं अभी तो अब क्या करना है इसको मान को यहाँ पर रख देना है तो बताओ क्या हो जाएगा वेलोसिटी v वी इक्वल टू डी बाई डी टी आर आर कैप प्लस जेड के कैप अब तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई तो दो फंक्शन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस सेकेंड एज इट इज डी आर अपॉन डी टी तो डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ आर डॉट तो आर डॉट लिख दिया प्लस इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा तो डी जेड अपॉन डी टी और ये कैप ठीक है अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा देखते हैं सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पे डी आर कैप अपॉन डी टी इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जैसे उस वाले कोऑर्डिनेट में किए थे तो उसका मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे डी आर कैप अपॉन डी टी तो सबसे पहले देखते हैं आर कैप किस पर डिपेंड कर रहा है तो आर कैप किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा इन डेल थीटा अपॉन डेल टी तो इसका मान ऐसे लिख सकते हैं <उसके, <पारेगा> उसके बाद हम लोग जानते हैं डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा का मान क्या है थीटा कैप और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेल थीटा पॉन डेल टी को थीटा डॉट तो इसका मान क्या आ गया थीटा डॉट थीटा कैप इसका मान को यहाँ पे हमको पुट करना है तो बताओ वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा आर इसका मान ये निकाले हैं थीटा डॉट थीटा कैप उसके बाद क्या है पीछे में आर डॉट आर कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ z डॉट और ये हो जाएगा k कैप तो ये जो मान आया है ये किसका मान आया है वेलोसिटी का मान आ गया किसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ठीक है तो ऐसे करके निकालना है भाई इसके बाद हम लोग क्या निकालना रहता है एक्सीलरेशन निकालना रहता है तो आ, निकाल देते हैं एक्सीलरेशन तो यहीं पे निकालता हूँ बगल में तो बताओ क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन बराबर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी ऐसे करके निकालते हैं यहाँ पे हम लोग वी कमान रख देते हैं तो वी मान जो आया है उसको रख देते हैं तो आर पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ठीक है आर वाले को तो आर डॉट थीटा आर वेक्टर प्लस थीटा वाले लिखता हूँ तो आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस यहाँ पे भी कैप है ठीक है ये हो जाएगा जेड डॉट के कैप. तो अब बताओ आगे क्या हो जाएगा फिर वन मिनट ठीक है तो आगे इसको हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे डेरिवेटिव करेंगे तो फिर देखते हैं क्या आता है तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी आर डॉट अपॉन डी टी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर डबल डॉट लिख सकता हूँ तो मैं इसको लिख दी आर डबल डॉट तो ये फर्स्ट फंक्शन का हो गया प्लस इसका करते हैं अब तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा देखो यहाँ पे दिन फंक्शन है तो इसको मैं पहला फंक्शन मान लेता हूँ और इन दोनों को दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरीवेटिव हो तो थीटा डॉट थीटा कैप उसके बाद सेकेंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरीवेटिव हो तो डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ आर डॉट आर डॉट लिख दिया उसके बाद फिर थर्ड वाले कंपोनेंट का तो थर्ड वाले क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी जेड कैप अपॉन डी टी ये के कैप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी जेड कैप सॉरी डी जेड डॉट अपॉन डी टी है इसको मैं जेड डबल डॉट लिख सकता हूँ तो मैं लिख दिया डबल डॉट तो ये तीनों का हो गया भाई इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका मान हमको निकालना है अब और उससे पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो इसको रहने दो अभी इसको एक साथ जब मान निकाल के रखेंगे तब सही रहेगा तो ऊपर वाले को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस आर डबल डॉट आर कैप ठीक है इसको थोड़ा सा और एक बार करना पड़ेगा फिर से दो फंक्शन आ गया तो ये क्या हो जाएगा थीटा डॉट डेल डी थीटा कैप अपॉन डी टी प्लस थीटा कैप इसका हो जाएगा अब डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा डी थीटा डॉट अपॉन डी टी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा डबल डॉट लिख सकता हूँ तो मैं क्या लिख दिया थीटा डबल डॉट ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट बंद फिर पीछे क्या बचा हुआ है आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप बस यहाँ पे आर को मैं दोनों के साथ गुड़ा कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो आर इसके साथ पहले गुड़ा हो जाएगा और इसके बाद फिर इसके साथ भी गुड़ा हो जाएगा बस अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो किन किन चीज़ का मान निकालना पड़ेगा हमको डी आर के अपॉन डी टी का मान निकालना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी टी का मान निकालना पड़ेगा उन दोनों का मान निकाल के फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा एक्सीलेशन आ जाएगा तो बस निकाल लेते हैं तो डी आर के पपन डी टी का मान निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा कैसे निकालेंगे आर कैप किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे तो डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी अब इसका मान हमारे पास है क्या तो डेल आर के अपॉन डेल थीटा का मान है थीटा कैप इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा डॉट तो इसका मान निकाल गया अब इसका मान निकाल लेते हैं डी थीटा कैप अपॉन डी टी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो मतलब थीटा कैप किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल थीटा डेल थीटा अपॉन डेल टी दोनों का मान रख देंगे तो इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं माइनस आर कैप तो ये आर कैप हो जाएगा इसका मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा डॉट तो इसका भी मान आ गया दोनों का मान आ गया यहाँ पे हमको पुट बस करना है मान, फिर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो इसको मिटा देता हूं मैं अब तो बताओ क्या हो जाएगा फिर आगे अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे है ना ए वाली इक्वेशन में तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो आर डॉट इसके जगह में मैं ये पुट करने वाला हूँ ये हो जाएगा थीटा डॉट थीटा कैप उसके बाद फिर ये वाला है आर डबल डॉट आर कैप उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थीटा डॉट इसके जगह मैं क्या पुट करूँगा माइनस आर कैप इंटू थीटा डॉट उसके बाद क्या बचा हुआ है आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप यहाँ पे फिर बताओ आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस यहाँ पे जेड डबल डॉट के कैप बस अब क्या करना है आर वाले इसको पहले थोड़ा ओपन कर लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आर पहले मैं एक काम करता हूँ जो भी आर कैप वाले हैं ना उसको एक साथ लिखता हूँ तो आर कैप वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ ये आर कैप वाला है तो आर डबल डॉट आर कैप और कौन सा है आर कैप वाला तो आर कैप वाला यहाँ पर आएगा ना उससे पहले चलो मैं ब्रेकेट को ओपन कर देता हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा ये तो सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा डबल डॉट आर कैप यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो माइनस सामने आ जाएगा आर थीटा डॉट थीटा डॉट दो बार है तो इसको स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आर कैप प्लस पीछे क्या बचा हुआ है भाई आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डबल डॉट के वेक्टर तो अब मैं क्या करता हूँ इसको देखो आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप दो बार सेम सेम है इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ ठीक है उससे पहले मैं आर वाले को एक साथ लिखता हूँ तो आर वेक्टर वाले ये है आर तो के वाले ये टर्म है और आर के वाला ये टर्म है इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो आर डबल डॉट हो गया आर कैप हो गया माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया और ये आर कैप उसके बाद थीटा कैप वाला वाले लिखता हूँ तो ये और ये दो बार जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप उसके बाद ये वाला टर्म बचा हुआ है आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप उसके बाद ये रटर में बचा हुआ है तो जेड डबल डॉट के कैप अब क्या करता हूँ यहाँ से मैं आर डॉट आर कैप को कॉमन निकाल लेता हूँ तो बस क्या गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और इधर क्या बचा आर कैप उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बन जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट यहाँ पे आर थीटा डबल डॉट और बाहर निकल गया थीटा कैप प्लस लास्ट में क्या बचा है जे डबल डॉट के के तो ये जो हमारा जो टर्म आ गया ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन का मान है तो ये जो आया ये क्या है भाई गोलीय निर्देशांक पद्धति में सॉरी बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में त्वरण का मान है वैल्यू आप एक्सीलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इस प्रकार से वेग और त्वरण का मान निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में चारों का मैं बता दिया ये वाला पिछले वाले से थोड़ा सा ईजी पड़ेगा छोटा भी है तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो पूरा आराम से समझ में आ जाएगा तो ठीक है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मिलते हैं नया नया लेक्चर में उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ निर्देश फ्रेम पढ़ाने वाला हूँ ठीक है रिफ़रेंस सिस्टम तो ठीक है इस लेक्चर में यहीं तक था पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है थैंक यू बाय